फ्रेंड्स, वेलकम ऑन bananatag.com। आज आपको मैं बताने वाला हूँ जीमेल के कुछ बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशंस और एप्स के बारे में। यूं तो क्रोम वेब स्टोर में बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, पर मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके जीमेल को एक नया और अलग ही लुक देंगे। कौन से एक्सटेंशंस और एप्लीकेशंस यूजफुल है ये जानने से पहले हम जानते हैं कि इनको इंस्टॉल कैसे करते हैं। नए एप्स या एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने के लिए हम एड्रेस बार में टाइप करेंगे chrome.google.com/webstore। दोस्तों, ये क्रोम का वेब स्टोर है। यहाँ से आप एक्सटेंशंस, थीम्स, एप्स या गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्स या एक्सटेंशन का नाम यहाँ सर्च बॉक्स में डालें, जैसे जीमेल ऑफलाइन, और सर्च करें। सर्च रिजल्ट में सर्च की गई एप्स होगी, उसके ऊपर एड टू क्रोम पर क्लिक करें, ऐड ऐप पर क्लिक करें। बस आपकी ऐप इंस्टॉल हो गई। ऐसे ही आप बहुत सारी ऐप्स या एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद में ऐप्स को देखने या यूज करने के लिए एड्रेस बार में टाइप कीजिए chrome:// apps। यहाँ पर आपकी सारी इंस्टॉल की गई एप्स शो होती है और यहाँ ऊपर इंस्टॉल किए गए सारे एक्सटेंशन शो होते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं जीमेल के कुछ बहुत ही यूजफुल एप्स और एक्सटेंशंस के बारे में। मेरी लिस्ट में सबसे पहली जीमेल के लिए जो एप्स है वो है जीमेल ऑफलाइन। जीमेल ऑफलाइन मेल्स को ऑफलाइन पढ़ने, रिप्लाई करने, सर्च और आर्काइव करने को अलाउड करती है। फर्स्ट स्टार्टअप पर ये ऐप ऑटोमेटिकली सिंक हो जाती है। जीमेल ऑफलाइन में जिस मेल को पढ़ना हो उस मेल पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप ऑफलाइन रिप्लाई और यहाँ से आप मेल को ऑफलाइन फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बहुत ही कम समय के लिए यूज कर पाते हैं तो ये एप्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। नेक्स्ट एक्सटेंशन है बनाना टैग एक्सटेंशन। इसको इंस्टॉल करने से सेंड बटन के पास में एक सेंड लेटर का और बटन भी आ जाता है। इस बटन पर क्लिक करने से आप अपने मेल्स को शेड्यूल कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं और इसको रिकरिंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब है, अगर आप एक ही मेल को बार बार भेजना चाहते हैं तो आप पर डे, पर मंथ या पर वीक सेट कर सकते हैं और आपका मेल ऑटोमेटिकली सेंड होता रहेगा। दोस्तों, कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो एक जैसे ही होते हैं, हमें बस इसी चेंज करके उनको भेजना होता है। अंदर की मेल की डिटेल पूरी वही सेम की सेम होती है, तो उसके लिए हम यहाँ से टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक दो फोल्डर बनाने होते हैं, जैसे मैंने पर्सनल ऑफिस का बना रखा है, तो उसके अंदर आपने इंटर होना है और न्यू टेम्पलेट्स पर क्लिक करके नए टेम्पलेट्स तैयार करने हैं, जैसे कि मैंने कर रखे है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स का नाम देना है, यहाँ पे जो आपकी मेल का सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट डालना है और यहाँ पे आप जो डिटेल्स लिखोगे वो डिटेल्स डालनी है और यहाँ पे आप अटैच फाइल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई डाल रखा उसको हम यूज करते हैं, मैंने इस पे क्लिक किया है, ये देखो ये मैंने बना रखा है और इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करके हम इसको यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे रेसिपिएंट्स का नाम डाल के, उसका मेल आईडी डाल के हम उसको सेंड कर सकते हैं। तो बार बार हमें ये चीज टाइप नहीं करनी रहेगी, सीधा हम टेम्पलेट पे क्लिक करके इसको वैसे उठा लेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सटेंशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वॉइस स्टाम्प। वॉइस स्टाम्प से आप अपने लिए बहुत ही बेहतरीन सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी लोगो भी डाल सकते हैं और वेबसाइट लिंक भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा फिल कर रखा है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और आपका कुछ लोगो ऐसे बनेगा। इसको यूज करने के लिए जीमेल में मेल पूरा लिखने के बाद यहाँ पर वॉइस स्टाम्प का आइकॉन है, उस पर क्लिक करना है, माई सिग्नेचर क्लिक करना है, तो ये लोगो यहाँ नीचे आ जाएगा, जैसे ये यहाँ पे आया है। दोस्तों, नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है unroll.me। यह एक वेबसाइट है। दोस्तों, अगर आपके पास ज्यादा ईमेल आते हैं तो आप unroll.me को यूज कर सकते हैं और इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, आपको unroll.me पर साइन अप करना है। यहाँ पर आपके द्वारा सब्सक्राइब वेबसाइट की लिस्ट शो होगी, इसमें से आप डायरेक्ट अनसब्सक्राइब पर क्लिक करके उन साइट को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ मेल्स ऐसे भी आते रहते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, उन वेबसाइट्स पर हमने कभी काम किया है और उनको देखने के लिए हमने कभी उनको सब्सक्राइब किया है, लेकिन अभी हमें उनकी जरूरत नहीं होती है, तो उनको आप यहाँ से अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक और एक्सटेंशन है जिसका नाम है
बूमेरांग। बूमेरांग को इंस्टॉल करते ही जीमेल के सेंड बटन के नीचे यहाँ पे सेंड लेटर का एक बटन आ जाता है और इसका काम है मेल्स को शेड्यूल करना। आप मेल्स को आज ना भेज करके कभी वो भेजना चाहते हैं, चाहे वो एक घंटा बाद में हो, चार घंटे बाद में हो, टुमारो मॉर्निंग हो, दो दिन बाद में हो, एक हफ्ता बाद में हो या एक महीना बाद में हो, या फिर आप अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं। डायरेक्ट टाइम पर क्लिक करने से यह मेल शेड्यूल हो जाएगा। जैसे मैं को इसे 2 डेज बाद में भेजना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये मेल 2 दिन के लिए शेड्यूल हो जाएगा। शेड्यूल हो रखे मेल्स को मैनेज करने के लिए हमें बूमेरांग के आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैनेज शेड्यूल मैसेजेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर बूमेरांग की एक साइट खुलेगी, इसमें मैसेज टू सेंड लेटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपके मेल शेड्यूल हो रखे हैं उनकी लिस्ट आएगी। इसमें जो मेल को हम एडिट करना चाहते हैं या उसको यहाँ से हटाना चाहते हैं या अभी सेंड करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इस मेल को एडिट करने का ऑप्शन है, रिशेड्यूल करने का ऑप्शन है, सेंड अभी करना है तो उसका भी ऑप्शन है, और अगर इसको यहाँ से डिलीट करना है तो डोंट सेंड का ऑप्शन भी है। जैसे मैं इसको डोंट सेंड करता हूं तो यहां से डिलीट हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे मुझे ये मेल अभी भेजनी है तो मैं सेंड नाउ करूंगा और ये मेल सेंड हो गई। नेक्स्ट एक्सटेंशन है स्नैपमेल। स्नैपमेल को अपने आप डिस्ट्रक्ट हो जाने वाले मेल्स को भेजने के लिए यूज किया जाता है। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद जीमेल के बटन के आगे स्नैपमेल का बटन और आ जाता है। जीमेल के सेंड बटन की बजाय स्नैपमेल पर क्लिक करने से रिसिपिएंट को मेल में एक लिंक मिलता है। उस लिंक को ओपन करने पर मेल 60 सेकंड तक चलता रहता है। 60 सेकंड पूरे होने पर मेल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। स्नैपमेल का मैक्सिमम यूज टॉप सीक्रेट मेल्स करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये थे जीमेल के कुछ बेस्ट एक्सटेंशन जो यूजफुल है, टाइम बचाने वाले है। कैसे लगे कमेंट में या मेरे फेसबुक पेज या ट्विटर में जरूर बताना। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए tanotech.com।